कंक्रीट एएसी ब्लॉक नवीनतम प्रकार की इमारत सामग्री है, जिसको रेड क्ले ईंटों की तुलना में संभालना आसान है। हालांकि वॉल्यूम में बड़ा ब्लॉक हल्का होता है और विभिन्न आकारों को कवर करता है, जो 600 मिलीमीटर लंबाई, 200 से 250 मिलीमीटर तक मोटाई में और ऊंचाई में 100 से 300 मिलीमीटर तक होते हैं। एक ठोस एएसी ब्लॉक लगभग 8 मिट्टी ईंटों के बराबर है। एक सिंगल एएसी ब्लॉक का वजन लगभग 14 किलो है, जबकि 8 रेड क्ले मात्रा के बराबर ईंटें 36 किलो वजन का होता है। 10 फ्लाई ऐश ईंटें लगभग 41 किलोग्राम में आती हैं। पोरस होने के नाते एएसी ब्लॉक हल्के रहते हैं और पानी में तैरते हैं, जबकि फ्लाई ऐश और रेड क्ले से बने ईंटों को डूबता हुआ देखा जा सकता है। पानी में डालते समय एक एएसी ब्लॉक जादुई रूप से तैरता है। पानी में डुबाए रखने के लिए मिट्टी ईंटों को ब्लॉक पर रखना पड़ता है। 6 घंटों के बाद दोनों ईंटों के अंदर पानी प्रवेश कर जाता है, जिसे काटते समय साफ साफ देखा जा सकता है। यह रेड क्ले और फ्लाई ऐश ईंटों को भारी बनाता है, लेकिन जब यह ब्लॉक पानी में डुबकी के 6 घंटे बाद बाहर निकाला जाता है और काटा जाता है, तो यह अंदर से सूखा मिलता है। आइए अब रेड क्ले ईंटों की तुलना में एएसी ब्लॉक के साथ दीवारों के निर्माण के फायदों की तुलना करें। नींव और खंभों को पोछने, पानी देने, सीमेंट और रेत के मोर्टार की एक परत लगाने के बाद 1:6 पानी मिलाकर 2 कोनों के बीच ब्लॉक लगाए जाते हैं। यदि 2 ब्लॉकों के बीच एक अंतर है तो लंबाई मापा जाता है। एएसी ब्लॉक का एक बड़ा फायदा यह है कि वे बहुत लचीले होते हैं और किसी भी आकार में आरी या मार्किंग ट्रायंगल की सहायता से काटा जा सकता है। दीवार के दरार को भरने के लिए आवश्यक लंबाई के टुकड़े आसानी से उपयोग किए जा सकते हैं। बेस लेयर पूरी होने के बाद मोटी मोर्टार की आवश्यकता नहीं है। बाद के चरण में दीवार सीमेंट आधारित चिपकने वाले मोर्टार की पतली परत द्वारा तैयार की जा सकती है। दीवार को एक समान रखने के लिए वाटर लेवल का इस्तेमाल किया जाता है। एएसी ब्लॉक का एक और फायदा यह है कि उन्हें रेड क्ले ईंटों की तरह आवश्यक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। बस मोर्टार की पतली परत लगाने से पहले पानी की एक छिड़काव की आवश्यकता होती है। 585 ईंटों को जोड़ने के लिए 1656 15 मिलीमीटर से लेकर 20 मिलीमीटर के मोर्टार की जरूरत होती है। इतने मोर्टार के लिए रेड क्ले की एक दीवार खड़ा करने में 2 बैग सीमेंट और 20 क्यूबिक फीट बालू की जरूरत पड़ती थी, जबकि एसी ब्लॉक की उतनी ही बड़ी दीवार खड़ी करने में 1 बैग मोर्टार की जरूरत पड़ती है। उक्त दीवार के निर्माण के लिए रेड क्ले ईंटों की दीवार की मोटी मोर्टार के प्लास्टर की लागत 1120 रुपए थी, जबकि एसी दीवार खड़ी करने में तैयार मिश्रित मोर्टार की लागत लगभग 650 रुपए की लगी। 6 घंटे के लिए 6 कुशल और अकुशल पुरुषों के लिए श्रम की लागत ₹1300 थी, जबकि एसी ब्लॉक्स के दीवार की लागत 3 घंटे के लिए ₹350 थी। एसी ब्लॉक रंग, रूप, मोटाई और चौड़ाई में एक समान होते हैं। सारे ब्लॉक्स की नियमित रूप से लंबाई और चौड़ाई की जांच की जाती है। रेड क्ले की ईंट की दीवारों के लिए प्लास्टर मोटा हो जाता है, क्योंकि मिस्त्री ऊबड़ खाबड़ दीवार को समतल करने के चक्कर में अधिक मसाला का प्रयोग कर देता है। एएसी की दीवार समतल होने के कारण अधिक मसाले की खपत नहीं होती। एएसी ब्लॉक्स किसी भी औजार से आसानी से काटे जा सकते हैं। इन पर छेनी और हथौड़ी का प्रयोग बहुत ही कुशल तरीके से किया जा सकता है और इन ब्लॉक्स को मनचाहे आकार में काटा जा सकता है। इन ब्लॉक्स में छेद करना भी आसान होता है। किसी भी ड्रिलिंग मशीन से इसमें छेद किया जा सकता है। और उन छेद में कोमोड या दूसरे जरूरत के सामान लटकाए जा सकते हैं।
इन दीवारों पर मार्बल और टाइल्स आसानी से फिट किए जा सकते हैं। सुगम और सुविधाजनक होने के कारण इन ब्लॉक्स का बड़े शहरों में अधिक से अधिक प्रयोग शुरू हो गया है।